अरे मौसी आप? अरे हाँ बेटा मैं। तू तो कितनी बड़ी हो गई। अरे मौसी बड़े तो होना ही था। खेल पदरेखिन। नमस्ते। खेल पदरेखिन। अरे हाँ बेटा तू बड़ी हो गई। ये कहाँ से आया? जितना मर्जी खेलो है अपना ही घर समझो। खेलने कूदने के लिए तो बने हो। हाय मेरा राजा बेटा। वैसे तो अतिथि होते हैं भगवान का रूप, लेकिन जो विश्व के घर बिन बुलाए मेहमान आए हैं उनसे सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अरे दीदी आप? हाँ जी हाँ। खुश हो गए ना देख के? बहुत खुश हो गए। वैसे अभी तक किसी ने नमस्ते नहीं की। दीदी नमस्ते। विजय नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। वैसे तकलीफ के लिए सॉरी। और देखती रहोगे कि बैग भी उठाओगे? चलो इधर आओ। मुझे मालूम है ना क्या है। वैसे बुरा मत मानना दीदी, ये सारी वानर से नाप की है। अरे ना बाबा ना। मेरे बिना मेरे घर क्या देख रहे हो? चलो बाहर चलो, क्या करने आए हो हमारे घर पे? चलो निकलो। चलो तुम ही चलो, हम क्या करने आए हैं? चल निकलो बाहर। अरे दीदी ये तो हमारा बेटा है, क्या कर रहे हो? अपने भांजे को भूल गई? कैसा बच्चा है। अरे जी दिली बनी तू बेटा। अब देखना ये है कि ये मेहमान इस फैमिली को किस हद तक परेशान करते हैं। तो देखने के लिए रेडी हो? देखो हमारे मेहमान। और भाई साहब कैसे हो? और भाई साहब कैसे हो? जी जब अखबार फटते हैं ना तो अखबार में घुस जाते हैं, फिर अखबार इनमें घुस जाता है। दीदी बैठिए। हाँ आजा ढोलू, अपना ही घर समझो ना। समझा बेटा? अपना ही घर समझना। ये हमारा ही घर है। क्या बोले? क्या बोले आप? कुछ नहीं वो अखबार। अरे हाँ हाँ बेटा जितना मर्जी गंद मचाना, आपकी मौसी ना सब कुछ साफ कर देगी है ना मौसी जी। तो पानी लेके आती हूँ आपके लिए। अरे पानी की क्या जरूरत है? और क्या जी पानी की क्या जरूरत है, चाय ले आए। मम्मी जूस जूस पियो। बेटा बेटा डैडी डैडी अपने घर का नींबू पानी ना पिया हो, यहाँ पर जूस चाहिए। क्या बोले आप? क्या कुछ नहीं वो अखबार। अरे हाँ हाँ बेटा तू जूस पी, जितना मजे जूस पी। एक कप छोड़, चार कप जूस पी। दो कप चाय और चार कप जूस, बस इतना ही चाहिए हमें तो। चाय में दूध ज्यादा डाला कर। 80 रुपए लीटर हुआ दूध। अखबार। मम्मी मम्मी देसी जूस दे दिया मैंने। हाँ? वो वाला पीना है, अखबार में ऐड नहीं आती, वो वाला जूस पीना था। शक्ल तेरी चूसरे आम जैसी है, पीना है इसने ऐड वाला जूस। क्या बोले आप? क्या बोले? क्या बोले भाई साहब? ऐसा क्या पढ़ रहे हैं आप अखबार में? कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं तुम बोल क्यों रहे हैं? तुम्हारे से बात करने जो चाहिए। सुना सुना फिर कुछ बोले।
और क्रीम वाले बिस्किट। घर पे कुत्तों वाले बिस्कुट खाता है, यहाँ पर चाहिए थे क्रीम वाले बिस्कुट। मेरे बेटे को ना क्रीम वाले बिस्कुट बड़े पसंद है, रोज खाता ही है। झूठे, मेहमानों के घर में खाए जितनी बार भी खाए हैं। आजकल के बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। और बताइए कैसे आना हुआ दीदी? कहीं घूमने के लिए पैसे नहीं थे तो आपके पास आ गए। अरे नहीं नहीं, वो आपकी याद आ रही थी ना इसलिए। यार फ्री का ठूसने आ गए और क्या। क्या बोले आप, फ्री का क्या? क्या कुछ नहीं, अखबार। मम्मी ये कितना अच्छा है, बैग में डाल। अरे हाँ हाँ बेटा, अपना ही घर समझो, डाल दो बैग में। सारे डब्बे तो खाली हैं। अरे खाली कहाँ पे हैं? ये देखो। ये देखो, ये है। हाँ ये तो बेरी है, तीनों के लिए खास। थैंक यू। ये लो बेटा। मासी इसकी भी क्या जरूरत थी? अरे बेटा रख लो, फिर क्या हो गया, मैं मासी हूँ ना आपके, ठीक है तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। ये लीजिए भाई साहब, ये आपके लिए। मेरे वाली आप खुद ही खा लो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपके लिए लेके आई हूँ खास। इतना खास है, वो तो साइज में ही दिख रहा है। वैसे इतने खाली डब्बे क्यों? जो भी पसंद आएगा आपके घर से बरबर कर लेके जाएंगे। आजकल के बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। वो तो हम इतने सारे डब्बे इसलिए लेकर आए थे ताकि जो भी आप थोड़ा थोड़ा सा प्यार दे, हम इसमें भर के लेके जाए। मम्मी ये कप कितना अच्छा है, बैग में डाल लो। हाँ बेटा जो मन करते डाल लो बैग में, अपने ही घर से लो। क्रीम वाले बिस्किट ये भी डालता हूँ। हम तो भी एक्स्ट्रा घी वाली रोटी खाते हैं और पनीर की सब्जी के साथ खाते हैं जब भी किसी के घर जाते हैं। मम्मी घर पे घी की खुशबू संगा दे वो बड़ी बात है। डाइट कॉन्शियस हूँ जी मैं। इन बच्चों को क्या पता कि डाइट क्या होती है। बेटा तुम छोले कैसे खा रहे? कुछ तो पिज्जा खाना था ना, पिज्जा। हाँ मम्मी पिज्जा ही खाऊंगा, आपने तो कभी खिलाया खाएगा ये पिज्जा, शक्ल तो सड़े हुए ब्रेड जैसी है। बच्चे बुरा मत मानना, तेरे मास्टर जी को ना मजाक करने की बहुत आदत है। सच का। कुछ और लोगे? मम्मा ये कितना अच्छा है, डाल लो बैग में। डाल ले अपना ही घर है। मौसी की शादी पे तूने एक साड़ी नहीं डाली थी पिंक कलर वाली, वो बैग में डाल दे। क्या वो बैग में डाल दे साड़ी जो तूने डाली थी, बड़ी सुंदर थी भाई। मम्मी हाँ जी, ये कितना अच्छा है, क्या बैग में डाल दूं? अरे डाल दो बेटा, नहीं घर समझो मौसी कुछ नहीं कहेगी तुम्हारी, ठीक है डाल दो बैग में। अरे वो अपना काम कर रहा है, उसे काम करने में डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे साड़ी निकाल के दे रहा हूँ। अरे मम्मी साड़ी, मम्मी साड़ी।
वो शर्मा जी की लड़की नहीं है? हाय देखना, ट्यूशन के बहाने ना लड़कों से मिलने जाती है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मैं तो क्या बताऊँ, तुम अपनी लड़की पे सताई करती हो। अरे दीदी, बच्चों पे ना भरोसा करना चाहिए। अरे कैसा भरोसा, थोड़ी सी कटाई करा करो, आजकल के बच्चों को ना कुछ पता नहीं होता। अब मेरा पिक्चर ही देख लो, बिल्कुल गाय है, गाय एकदम गाय, इतना भोला है ना जैसे गाय होती है। मौसी जी, वो आपका गाय जैसा बेटा कल वीडियो डाली थी इसने, बिना पानी के दारू पीता था। वाह भैया, क्या टैलेंट है। अरे वो बेटा कुछ नहीं, सेव वाटर सेव अर्थ। मेरा बच्चा तो बस पानी बचाता है, इसलिए तो पानी नहीं मिक्स करता। मेरा राजा बेटा। और भाई साहब, क्या हाल चाल है? भाई साहब क्या हाल चाल है फिर? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे क्या भाई साहब, भाई साहब क्या होती है, कोई भी नहीं पढ़ने लेते। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो आप हमारी बात का जवाब तो देते नहीं है, अखबार ही पढ़ते रहते हैं, तभी भाई साहब बोलते हैं। पूछो, कौन से घटिया फालतू सवाल पूछने हैं, पूछो तुम। भाई साहब, फिर कितना कमा लेते हो आप? लड़की को इतनी छूट क्यों दी है? इतना खुश क्यों रहते हो? तुम दुखी क्यों नहीं होते? घर का कोई राज? गुड्डू, खाने वाली सारी चीजें बैग में डाल दे। जमीन बंजर, रिश्तेदार कंजर, भगवान किसी को ना दे। ज्यादा सवाल पूछ ले क्या? तकलीफ के लिए सॉरी। वैसे कब जाना है आप लोगों ने? शाम होने वाली है ना? सच पूछना तो हमारा दिल नहीं कर रहा जाने का आज, यहाँ पे दिल लग गया। सोच रहे हैं कि दो तीन दिन और रुक के ही जाते हैं, है ना? बेटा बेटा, डैडी डैडी। वैसे ना आप यहाँ पे ना ही रुकिए, क्योंकि हमारे बाथरूम में ना बहुत सारे कॉकरोचेस घूमते ही रहते हैं। तकलीफ के लिए सॉरी, पर ना मुझे पता था कि कॉकरोच ना इधर उधर घूमते ही रहते हैं, इसलिए ना मैं अपने साथ काला ही लेके आई हूँ बैग में। डोलू, तू यहाँ पर मत रुक, यहाँ पर ना बहुत सारे भूत हैं। तो क्या, मेरी मम्मी आप चढ़ेल है, बस तू खाने का इंतजाम कर। अरे भाई साहब, आप अपना भला चाहते हो ना, तो जल्दी चले जाओ। क्यों? मुझे रात को ना दौरे पड़ते हैं, और मेरे सामने जो आ जाता है मैं उसकी पिटाई कर देता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे भी दिल के दौरे पड़ते हैं, फिर हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मेरे सारे बिस्किट खा रही है डोलू। चल अभी तेरे डोलू की कड़छी बनाती हूँ। गुड्डू, ठीक किया डोलू। तकलीफ ना देने के लिए सॉरी सॉरी कहकर इतनी तकलीफें दे दी, सिर्फ एक ही दिन में जीना हराम कर दिया हमारा। चल जुगनी, मुझे एक मिनट के लिए भी तूने अखबार नहीं पढ़ने दिया, और तू क्या कर, मैं तुझे एक दिन और रख लूं घर में। चल बाहर, मारना बस, धक्के मार के इज्जत से बाहर निकाल। चल बाहर, मारना बस, बाहर बाहर बाहर। धक्के मार के इज्जत से बाहर निकाल भाई। जमीन बंजर, रिश्तेदार कंजर, भगवान किसी को ना दे। मम्मी मम्मी, चलो बुआ के घर चलते हैं। हाँ बेटा चलो, मेरा राजा बेटा कितना अच्छा आइडिया देता है। उनका सामान उठाएंगे, ठीक है।